नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, रेलवे एनसीआर आरआरसी प्रयागराज अप्रेंटिस 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है विदाउट मिस्टेक की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और पेमेंट भी फेल्ड हो गया है, कट गया है और फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका समाधान कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू एप्लीकेशन। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप एप्लीकेट लॉगिन से यहाँ पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। तो चूंकि अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो नवीन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। एग्री बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा, और इस प्रकार से एक न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा जहां पर छात्र का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करना है। वैसे ही पिता का नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर को भी साथ ही साथ में अच्छे से फिल आपको करना होगा। उसके बाद क्रिएट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, सिस्टम पर जनरेट हो जाता है, तो आप उसको कंट्रोल पी से सेव कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर लिख कर रख सकते हैं, और आपके मोबाइल पर भी पासवर्ड जो है उसका भेज दिया जाता है और उसे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली होम पेज पर जाना होगा, उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपके सामने पोर्टल ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना होगा जो आपके मोबाइल पर और जो सिस्टम पर या आपके मोबाइल पर जनरेट हुआ है। यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन बटन पर आपको अब जो है क्लिक कर देना होता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। इस प्रकार पोर्टल जो है लॉगिन हो गया है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट है, अभी तक पेमेंट और फॉर्म सक्सेसफुली नहीं हुआ है। यदि पेमेंट आपका डन और सक्सेसफुली हो जाता तो यहाँ पर आपको केवल प्रिंट का एप्लीकेशन मिलता, केवल प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, बाद बाकी ऑप्शन कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं देता। यदि पेमेंट इनकम्प्लीट है तो इसी प्रकार से स्टेटस शो यहाँ पर करता रहेगा। तो यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है, ट्रांजेक्शन कट गया है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो 24 से 48 घंटे का वेट करिएगा, उसके बाद दोबारा से लॉगिन करके चेक करिए। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर शो भी होता है बट सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया गया है, बट आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ माउस की बटन से जहाँ मैं घुमा रहा हूँ यहाँ आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो हेल्पलाइन नंबर से आप कॉल करके अपना समाधान कर सकते हैं, ईमेल करके समाधान कर सकते हैं। जिस दिन पेमेंट कटा है उसी दिन आप करें तो लास्ट डेट से पहले पहले समाधान होने की संभावना है। अब लास्ट दिन बचा है केवल और लास्ट डे है तो दोबारा पेमेंट करने की मजबूरी हो जाती है, बट उससे पहले यदि आपके पास समय है तो आप इन ट्रिक्स को अपनाकर दोबारा पेमेंट करने से बच सकते हैं। जैसे कि कॉल करना, ईमेल करना हेल्पलाइन को, 24 से 48 घंटे वेट करना, उसके बाद लॉगिन करके चेक करना, अकाउंट चेक करना उसमें कहीं रिफंड तो नहीं हो गया पेमेंट, तो ये सारी बातें होती हैं जिन्हें अपनाने से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन को फिल करते हुए स्टेप को पूरा करते हैं। अगला स्टेप यहाँ देख सकते हैं डिवीजन सिलेक्शन। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी ट्रेडें हैं, मशीनिस्ट है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन है, ITI, तो आपके पास कौन सा है। जैसे कि फिटर, तो मैंने फिटर को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर पंजीकरण संख्या जो है रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ पर शो हो जाता है, एप्लीकेंट आवेदक का नाम यहाँ पर शो हो जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम वाला। उसके बाद तो डिवीजन वर्कशॉप की प्राथमिकता भरें। अब यहाँ पर आपने प्राथमिकता ये नीचे दी गई है, इनको भरना है। अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि आपने अप्रेंटिस NPS पोर्टल से रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, और अब जो आप आवेदन कर रहे हैं रेलवे RRC NCR में प्रयागराज में, तो ये अप्रेंटिस के लिए ही आवेदन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अप्रेंटिस करना होगा, और जब आप अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए जॉब के लिए बहुत ढेर सारे ऑफर सामने निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, यदि आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है और फिर आप किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी हो गया है अब। तो यहाँ पर प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। प्रेफरेंस की प्राथमिकता देने के लिए जैसे आपने आगरा डिवीजन को फर्स्ट चुना है तो ये आपको फर्स्ट पर मिल जाएगा, जबकि ये 5 नंबर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है वीडियो को पॉज करके आप जो है प्राथमिकता का चयन कर सकते हैं, प्रेफरेंस का चयन कर सकते हैं। फिल करने के बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिवीजन सिलेक्शन वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हम आ चुके हैं बेसिक डिटेल्स पर, जहाँ पर आपका कुछ डिटेल पहले से शुरू होता है और माता का नाम,
पैन नंबर है तो डाल सकते हैं, आधार नंबर है, आधार एनरोलमेंट नंबर तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, पैन और आधार को डाल देंगे केवल आप, ठीक है। तो यहाँ आधार तो मैंडेटरी है ही और पैन नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जिस आवेदक के पास आधार नंबर नहीं है वह आधार नामांकन पर्ची मुद्रित 28 अंकों की आधार नामांकन आईडी दर्ज कर सकता है। अब आधार नंबर नहीं है तो आप एनरोलमेंट नंबर फिल कर सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर आधार नंबर आप सभी के पास हो चुका है। तो यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं और कैलेंडर की सहायता से, यहाँ देखिए कैलेंडर दिया हुआ है, इसकी सहायता से डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर अपने धर्म को। उसके बाद धर्म इसमें से नहीं है तो आप अलग से लिख सकते हैं, माइनर हैं तो माइनर के लिए यस कर सकते हैं। और ये ऑप्शन तभी हाईलाइट होगी जब आपने हिंदू की जगह मुस्लिम वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, या फिर जैनी या फिर और भी धर्म कोई है जो अल्पसंख्यक में आते हैं उन्हें सिलेक्ट करने पर ये ऑप्शन हाईलाइट होते हैं। जनरल है, EWS है, OBC है, SC ST है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति से हैं, गोरखा है, मराठा है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर लेंगे। हैंडीकैप, दिव्यांग, विकलांग है तो कोई भी हो आप, कहीं से भी हो आप कर सकते हैं, यस और नो का जवाब दे सकते हैं। विकलांग सभी के लिए आरक्षण होता है। नेशनलिटी है, उसके बाद EWS है, एक्स सर्विस है, फीस रिलैक्शन है, फीस में छूट है, तो यहाँ आप कर सकते हैं, यस और नो का जवाब दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर SC कैटेगरी को चूज़ किया है और आपका फीस रिलैक्शन नहीं हो रहा है, फीस कटने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि आपने यहाँ फीस रिलैक्शन, फीस में छूट के लिए यस नहीं किया, चूँकि आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा। जैसे ही आप यस करते हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो है SC कैटेगरी पर टिक लग जाता है, यानी कि आप इसके दावेदार हैं और नोटिफिकेशन में भी फीस जीरो दिखाया गया है SC ST फीमेल। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ यस कर दिया और SC कैटेगरी पर देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए SC है, ST है, PWD है और फीमेल है, और यहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने आपको दिखाया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मुझे जनरल से भरना है तो मैंने जनरल में यहाँ सेलेक्ट कर दिया है और उसके बाद हमें यहाँ पर नो कर देना है। अब जो है हम जब आप फीस पर जो छूट है वो यस कर देंगे तो यस करने से SC जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया है। और उसके बाद जब आप प्रोसेस करेंगे तो आप SC ST फीमेल से हैं तो जीरो फीस के साथ आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, फिर आप पर फीस नहीं कटेगी। तो ये प्रॉब्लम्स आपको यहीं इस पर सॉल्व हो जाती है। तो हमने यहाँ पर डिटेल जो रह गई थी उसको फिल करने के बाद टिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हमें प्रोसेस करना होगा। यदि ITI आपने 8th के साथ किया है तो 8th प्लस ITI भरना है, 10th के साथ किया तो 10th और ITI भरना है। जो 8th के साथ ITI करते हैं जैसे प्लम्बर है, बेल्डर है, इस प्रकार की ट्रेडों में मिलती हैं, तो 8th प्लस ITI भर सकते हैं। और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, ऐसी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 8th के साथ प्लम्बर है या वेल्डर आपने किया है या फिर और भी कोई ट्रेड करिए मेटल वगैरह की, तो आप 8th भर सकते हैं, उसके बाद 10th 12th भर सकते हैं, और ITI तो भरना ही भरना है आपको, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 8th नहीं है, हमने 10th से किया है तो हमने 10th प्लस ITI भर रखा है, अब हम इसमें चाहें तो इंटर भर दें तो आप भर सकते हैं। वैसे मुझे जो है 10th प्लस ITI भरना है तो मैंने 10th और ITI को भर दिया है। हायर एजुकेशन भरने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो उसको यहाँ पर अब हमने डिटेल फिल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 3 पर हमें क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर जो अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है, उसके बाद 8th प्लस ITI किया है तो आपको 8th अपलोड करना है, यदि आपने 8th की डिटेल नहीं भरा है तो आप 8th को अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10th हमने भरा है तो 10th को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र है, ITI की मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट है, जो जहाँ मांगा गया वहीं पर अपलोड करना है। यदि आप विकलांग हैं तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, एक्स सर्विस है तो अपलोड करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इनकम सर्टिफिकेट यदि आपने जनरल से अप्लाई किया, EWS लगाया है आपने, तो आप ये प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको यहाँ पर DUB के लिए 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देना होता है। नेक्स्ट टू स्टेप 4 पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे डिवीज़न, बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन टेक्निकल डिटेल्स, फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट पर अब हम पहुँचने वाले हैं। सारे स्टेप लगभग ग्रीन हो चुके, 2 स्टेप बचे हैं, पेमेंट और प्रिंट एप्लीकेशन। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है आपका प्रिंट यहाँ पर जेनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर फीस आ चुकी है, आई एग्री सहमत पर क्लिक करूँगा, बटन हाईलाइट हो जाएगी, क्लिक करना होगा उस पर। प्रोसीड बटन हाईलाइट हो चुका है, क्लिक करेंगे और सीधा पेमेंट गेट पर पहुँचेंगे। इस प्रकार जो है प्रोसीड पेमेंट प्रोसीड का बटन यहाँ पर आ चुका है, ये देख सकते हैं ऊपर, और इस पर क्लिक करना होगा।
पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है पेमेंट गेटवे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड से यूपीआई या स्कैन क्यूआर को और नेट बैंकिंग किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और साइम सेशन का ध्यान रखें, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपका रिडायरेक्ट होते हुए पोर्टल पर पहुँचेंगे, यदि नहीं पहुँच पा रहे दोबारा से लॉगिन करेंगे और अपना फाइनल पेमेंट निकाल पाएंगे। यदि इनकम्प्लीट का मतलब है पेमेंट कट गया है बट फेल्ड हो गया है, सक्सेस नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने बताया 24 से 48 घंटे वेट करें, दोबारा से लॉगिन चेक करें, हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करें, जिस दिन कटा है उसी दिन यूज़ करें, जिससे कि समय से पहले आपकी फीस अपडेट हो सके, फॉर्म सक्सेसफुल हो सके। फिर भी कोई समस्या लग रही है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपका पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाता है तो ये यहाँ पेमेंट तक के स्टेप सारे ग्रीन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब बचा है लास्ट स्टेप प्रिंट एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर पेमेंट कटने के बाद आपका प्रिंट जो है यहाँ जनरेट हो चुका है और पेमेंट स्टेटस देखने के लिए आप जो है पेज के बॉटम में जाएंगे तो वहाँ आपको ट्रांजेक्शन आई डी, ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट और आपको पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिख जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे माउस के बटन से देखिए फीस अमाउंट देखिए यहाँ पर जो कि मैंने हाइड कर रखा है और ट्रांजेक्शन आईडी देखिए यहाँ पर बीच में हाइड कर दिया और दिख रहा है यहाँ पर डेट है और यहाँ पर टाइम भी है और स्टेटस सक्सेस भी है। यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ सक्सेस दिखाई देगा, फेल्ड है तो फेल्ड दिखाई देगा। जैसा कि मैंने बताया आपको वेट करना है और जो वीडियो में बताई गई जो ट्रिक है, जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी होगी, आपका समाधान होने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार प्रिंट करने के बाद जो है जब हम होम पेज पर आते हैं और दोबारा से लॉगिन करके चेक करते हैं तो जब पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पर आप जो है क्लिक नहीं कर सकते। देखिए और यहाँ पर देखिए आप एक हाइपरलिंक यानी कि हैंड का निशान बन के आ रहा है जहाँ से आप पेमेंट स्लिप को जनरेट कर सकते हैं। यदि आप एस सी एस टी फीमेल है तो स्लिप तो जनरेट होगी बट वहाँ जीरो अमाउंट आएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। वीडियो में जो स्टेप दिखाए गए एस सी एस टी फीमेल आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप जनरल ओबीसी से हैं, फीस पे करा है, तब भी आप इस स्टेप को देख लेंगे तो भी आपका समाधान हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको वेट करना है और हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके ज़रूर सहायता आपको लेनी है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए हाइपरलिंक का निशान आ रहा है हैंड का, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं आप, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, बट यहाँ से आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। अब जब तक पेमेंट पेंडिंग होगा तब तक आप इस रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सीधा पेमेंट के लिए ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी अपडेट वीडियो पर अपलोड होती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।